दिव्या भारती जैसी शायद ही कोई हीरोइन रही हो जिसने करियर के पहले साल में ही 12 फिल्में की, जबरदस्त हिट हुई लेकिन दूसरे ही साल मौत को गले लगाकर चली गई। इनका नाम आते ही ऐसी दीवानगी और सात समंदर याद आता है, लेकिन 19 साल की कम उम्र में ही वो चल बसी और मौत की वजह आज तक साफ नहीं हो पाई। इन दिनों लॉकडाउन के समय में दिव्या भारती की हमशक्ल की वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और दिव्या भारती के फैन पेजेस में वीडियोस, फोटोज और पोस्ट शेयर हो रहा है। लोगों को उनकी फोटोज और वीडियोस पसंद आ रही हैं और वह एक्ट्रेस दिव्या भारती की तरह ही दिखती है। लोग उन्हें सेकंड दिव्या भारती भी कह रहे हैं। दिव्या भारती की हम शक्ल का नाम 18 साल की दार्जिलिंग की मंजू थापा है। उन्होंने 15 साल के कम उम्र में प्लैनेट मिस इंडिया वर्ल्ड 2018, मिस टीम रिपब्लिक ऑफ इंडिया 2018 और मिस ग्लोरी ऑफ लोटस 2018 का खिताब अपने नाम किया है। मंजू थापा का जन्म 2003 में हुआ है, 25 फरवरी कोलकाता में, और दिव्या भारती का जन्म 1974 मुंबई में 25 फरवरी को हुआ था। मंजू थापा एक स्टूडेंट है और उनकी फैमिली और उनकी मां तुलासा थापा के साथ वो रहती हैं। जब मंजू थापा 9 साल की थी, उनके पापा बल बहादुर थापा का निधन हुआ, तब से उनकी माँ उन्हें अकेली ही संभाला करती है। मंजू थापा से इंस्टाग्राम में बातचीत की गई तो पता चला कि दिव्या भारती की तरह मंजू थापा को भी मॉडलिंग और एक्टिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और इन दिनों मंजू थापा को साउथ इंडियन बॉलीवुड और नेपाल इंडस्ट्री जैसी तमाम फिल्मों से ऑफर भी आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या 28 साल बाद फिर से फिल्मों में दिखेगी वो चुलबुली सी लड़की जो सात समंदर पार और ऐसी दीवानगी जैसे फिल्मों में दिखा करती थी। क्या दिव्या भारती जैसी ही अदायगी मंजू थापा में भी दिखाई देगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा।